नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है इसमें अपने बात करेंगे जी ड्यूज पर के जो लेटेस्ट मॉडल अब आ रहे हैं उनमें कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या चेंजेस आपको पुराने ट्रैक्टरों से देखने को मिलेंगे। तो उन सारी बातों को आज इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये ट्रैक्टर जो पुराने मॉडल हैं उनसे अलग हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और अगर किसी भाई ने ड्यूज पर ट्रैक्टर ख़रीदना हो तो मैं स्क्रीन पे भी ये नंबर जो आपके सामने शो हो रहे हैं इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाके आप हमें डायरेक्टली कोई अगर आपके मन में डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो आप तो हमें वहाँ पर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी अपने बात करते हैं जी ड्यूज पर के जो चेंजेस किए हैं कंपनी ने उसके बारे में। तो सबसे पहले जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ट्रैक्टर के लीवरों में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये फोर व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर है 50 HP, तो फोर व्हील ड्राइव के सभी मॉडल्स में आपको अब जो फोर व्हील का लीवर है ये देखो आप, ये PTO टाइप आपको ये लीवर देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे पुश एंड पुल टाइप का जो लीवर है वो आता था, लेकिन अब इसको चेंज करके ये लीवर दे दिया गया है। इसको अगर आप आगे लेके जाओगे तो ये टू व्हील ड्राइव में, और अगर आप इसको पीछे कर दोगे तो ये फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज कंपनी ने किया है इसमें, जैसे ये PTO टाइप लीवर इसमें दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले जब कोई साइड में कोई बंदा बैठता था तो वो उसके पैर से जैसे ही ये लीवर नीचे प्रेस हो जाता था ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम इसमें नहीं है। ये लीवर साइड में देने से वो समस्या अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो उसके बाद बदलाव किया है वो है जी ये PTO जो क्लच है, ये देखो आप, पहले ये क्लच ये टेढ़ा इस टाइप में आता था, क्लच यही था लेकिन ये टेढ़ा था और इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम थी जिससे कि ये क्लच उठाने में थोड़ी दिक्कत करता था, थोड़ा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन अब ये क्लच का हत्ता जो है ये लंबा दे दिया है यहाँ तक कंपनी ने। तो आप अगर देखोगे एक उंगली से आप इसको ऊपर उठा सकते हो और इसको नीचे लेके जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज कंपनी ने इसमें किया है ट्रैक्टर में। तो उसके अलावा अगर अपने बात करें बाकी जो सिस्टम है वो सेम दे रखा है, 12+3 का जो गियर बॉक्स है वो ट्रैक्टर में आएगा। अब अगर बात करते हैं पीछे से तो ये देखो, एक तो ये जो PTO कप है इसको चेंज कर दिया कंपनी ने, पहले जो स्क्रू टाइप आता था जिसमें चूड़ियाँ होती थी लेकिन अब ये सीधा डायरेक्ट लॉक वाला सिस्टम इसमें दे दिया है। और जो इसकी सील है वो भी बैरिंग टाइप दे दी, पहले इसमें नॉर्मल सील आती थी, ये देखो आप, इसको आप ऐसे लॉक कर सकते हो। उसके बाद जो चेंज किया है वो इनमें किया है, जो ये साइड में स्टे बार का जो सपोर्ट है, पहले ये पत्ती यहाँ तक थी प्लेट जो लगी हुई है, अब इसको पूरा आगे बढ़ा के आगे तक इसकी सपोर्ट दे दी ताकि ये जो सिस्टम है ये कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो और फुल सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो इसके मडगार्ड हैं उसको भी कंपनी ने ऊपर किया है, ये देखो आप, ये नीचे जो स्पेसर देख रहे हो आप ये कंपनी ने एक्स्ट्रा से लगा के दिए हैं, इससे इसका जो मडगार्ड है ये तकरीबन 1 इंच के आसपास ऊपर उठ गया है, ये देखो आप, यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ये देखिए इतना गैप इसमें कंपनी ने दे दिया, यानी कि इतना ये ऊपर उठ गया है मडगार्ड उन स्पेसर की वजह से, वो देखो आप, वो नीचे वो स्पेसर स्पेशल कंपनी ने अभी लगा के दिए हैं ट्रैक्टर में। तो उसके बाद जो चेंज किया है वो ट्रैक्टर के गवर्नर में है। अब जो लेटेस्ट ट्रैक्टर आ रहे हैं और जो पहले ट्रैक्टर आते थे, पहले ट्रैक्टर में आपको 2200 रेटेड RPM मिलते थे, यानी 2200 रेटेड RPM का गवर्नर था, लेकिन अभी इसको बड़ा कम करके 2000 रेटेड RPM कर दिए हैं कंपनी ने। तो अभी जो जितने भी ट्रैक्टर आएंगे वो सारे 2000 रेटेड RPM के ट्रैक्टर ही होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आपको ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। तो कुछ मेजर चेंजेस थे तो वो यही थे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।